गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 जीव जनन कैसे करते हैं। और लास्ट वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं कि पुष्पों में या पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन। जंतुओं में लैंगिक जनन मतलब हम अलग अलग जानवरों में लैंगिक जनन नहीं पढ़ेंगे। इसमें 10th क्लास में सिर्फ मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है वो बताया गया है और वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं कि नर तथा मादा या उनके गुणों में भी भेदन किस प्रकार होता है, युग्मक और उनकी संरचना, निषेचन, युग्मनज, लैंगिक जनन के क्या महत्व हैं, लैंगिक जनन में डीएनए की मात्रा दोगुनी क्यों नहीं होती और किशोर अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना नर तथा मादा में। देखो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लैंगिक जनन में नर तथा मादा की आवश्यकता होती है। देखो नर और मादा ये काम वही करते हैं कि नर नर युग्मक बनाएगा, मादा मादा युग्मक बनाती है, फिर दोनों का निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज में वृद्धि होती है और भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन इनमें खास बात क्या है कि जंतुओं में नर तथा मादा के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। जरूरी नहीं कि सभी जंतुओं में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हो। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है यौन द्विरूपता, हिंदी में यौन द्विरूपता। यौन द्विरूपता का मतलब क्या कि उनके बॉडी के अंदर ऐसे करेक्टर होते हैं जिनको देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। मतलब एक्सटर्नल फीचर्स कुछ ऐसे होते हैं उनको उनके अंदर कि उन जिनको देखकर हम ये कह सके कि ये मेल है और ये फीमेल है। जैसे आपने देखा होगा मानव के केस में हम एक औरत को देखकर एक पुरुष को देखकर ये कह देंगे कि ये पुरुष है और ये लेडी है, या हम जानवरों में देख कर बता देंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन ये सभी जंतुओं में नहीं होता, बहुत सारे छोटे जंतु ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक समान दिखाई देते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो उनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता। जिनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है उनकी बॉडी में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको देखकर नर और मादा होने का पता चल जाएगा। तो ये हो गया क्या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मानव क्या है, मानव में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मतलब उसमें नर और मादा को देखकर ही बता देंगे हम कि ये नर है और ये मादा है। ठीक है, अब बात आती है कि नर बनाएगा नर युग्मक। मनुष्य के केस में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ना है मानव में लैंगिक जनन। तो नर में जो नर युग्मक बनता है, नर युग्मक तो बनेगा ही क्योंकि लैंगिक जनन है, और मादा बनाएगी मादा युग्मक। जो नर होता है उसमें नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु, शुक्राणु। और जो मादा होती है मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, इसको नर जनन कोशिका भी कह सकते हैं, इसको मादा जनन कोशिका भी कह सकते हैं। इनका निर्माण नर के एक विशिष्ट भाग में होता है और मादा में भी इनका निर्माण एक विशिष्ट भाग में होगा। इनके बनाने के लिए जहां शुक्राणुओं का निर्माण होगा फिर उसको पहुंचाया जाएगा, एक पूरा का पूरा तंत्र काम करता है जिसको बोलते हैं जनन तंत्र। वो हम बाद में पढ़ेंगे, हम बेसिक पढ़ रहे हैं कि उसमें होना क्या है। देखो होना तो सभी में यही है, लैंगिक जनन में होना क्या है कि नर होगा, मादा होगी, युग्मक बनेंगे, निषेचन होगा। बस होने के तरीके पढ़ने हैं हमने कि उसमें युग्मक कैसे बनेगा, कैसा दिखता है वो, मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचेगा। जैसे हमने पुष्प में पढ़ा कि नर भाग जो था पुंकेसर उसमें परागकण बने, वो परागण विधि द्वारा गए वर्तिकाग्र पे, वहां उन्होंने जर्मिनेशन किया, फिर वो ट्यूब बनाकर वहां पहुंचे। मतलब उसमें हमने पूरी डिटेल में ये पढ़ लिया कि नर युग्मक ने मादा युग्मक को किस प्रकार निषेचित किया। अब इसमें यही पढ़ना है, पढ़नी बातें वही हैं, बस मेथड अलग है कि नर युग्मक कैसा होगा, वो मादा युग्मक के पास कैसे जाएगा। ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो नर युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु, और मादा युग्मक का नाम क्या है, अंडाणु। जो शुक्राणु होता है उसका साइज 0.05 मिलीमीटर बहुत छोटा होता है लगभग, और ये बड़ा होता है 0.15 मिलीमीटर। मतलब एक अंडाणु का साइज
एक शुक्राणु के साइज से सैकड़ों गुना ज्यादा होता है, मतलब ये बड़ा होता है। और शुक्राणु शरीर में बहुत ज्यादा बनते हैं, करोड़ों की संख्या में, ये समझ लो 10^13 शुक्राणु मानव शरीर में 24 घंटे के अंदर बनते हैं। लेकिन शुक्राणुओं को मानव इतने बाहर नहीं छोड़ता, तो उन शुक्राणुओं का अंदर होता क्या है, 24 घंटे में बने ही जा रहे हैं तो क्या होगा, तो शुक्राणु जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं उनका हमारा जनन तंत्र अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इनके बनने के बाद इनका लाइफ स्पैन लगभग दो दिन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 48 से 72 घंटे का इनका सर्वाइवल टाइम है, उसके बाद नहीं होगा, मतलब ये जीवित रह पाएंगे 2 दिन तक, उसके बाद मर जाएंगे, तो मरे हुए का क्या होगा, उसको हमारे जो जनन तंत्र के अंदर वाले ट्यूबे हैं उनको मरे हुए को वापस अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है भाई, ये बात। निर्माण कितना हुआ, लगभग 10^13 शुक्राणु 24 घंटे में बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हालांकि देखो एक शुक्राणु के बनने की क्रिया में लगभग 3 महीने का टाइम लग जाएगा, 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। इसमें शुक्राणु, एक शुक्राणु के बनने की पूरी क्रिया में, मतलब एक कोशिका से और पूरा शुक्राणु बनने की क्रिया में लगभग 2 महीने का टाइम लग जाएगा। लेकिन जैसे एक शुक्राणु यहाँ बन गया तो पीछे जितने कोशिकाएं हैं वो तैयार है बनाने के लिए नेक्स्ट डे, फिर उसके पीछे तैयार है नेक्स्ट डे बनाने के लिए। तो एक बार जैसे बनना शुरू होगा तो हर दिन बनते ही रहेंगे, और मेल में कभी भी शुक्राणु बनने बंद नहीं होते, लाइफ टाइम शुक्राणु बनते रहते हैं। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में अंडाणु एक ही बनता है, एक बनेगा हर महीने, सिर्फ एक अंडाणु बनता है। अंडाशय दो होते हैं फीमेल में, जिनमें से एक मंथ में एक अंडाणु बनेगा, अगले महीने दूसरे अंडाशय से अंडाणु बनेगा। ठीक है, इसमें करोड़ों बनते हैं, अरबों, और इसमें सिर्फ एक, एक महीने में एक बार। बात समझ में आएगी। अब युग्मक देखो, शुक्राणु का साइज छोटा है, और शुक्राणु दिखाई कैसे देता है, शुक्राणु का मैं बना रहा हूं, चित्र बना रहा हूं थोड़ा सा। इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, ये है शुक्राणु का, इस प्रकार का एक ये संरचना होती है। ये क्या होता है, ये होता है ऊपर वाला इसका हेड, और ये होती है इसकी नेक, और यहाँ इसका टेल है, इसको बोलते हैं इसका मिडल पीस, मिडल पीस। ठीक है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए। नेक में इसके सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं, और टेल क्या करती है, टेल इसको आगे बढ़ने में मदद करती है, ये इसके साथ आगे बढ़ता है। और ये जो हेड है, हेड के अंदर ये क्या है, इसका केंद्रक है, और केंद्रक में क्या है, डीएनए। ठीक है, ये डीएनए ही पहुंचाने का काम है इसका, बस डीएनए इसको पहुंचानी है किसके पास, अंडाणु के पास। अंडाणु का साइज अगर हम देखें, अंडाणु होता है राउंडेड इन शेप इस प्रकार से, और इसके अंदर ये इसका डीएनए होता है, बाकी इसके अंदर सारा का सारा इसमें भोजन भरा रहेगा इसके लिए, इसका साइज काफी बड़ा होता है। ये हो गया अंडाणु, और ये हो गया शुक्राणु। ठीक है भाई, मानव के केस में अंडाणु नॉन मोटाइल होता है, मतलब यह गति नहीं कर सकता, यह गतिशील नहीं है, यह मादा के जनन अंगों में ही रहता है। अगर जब ये गतिशील नहीं है तो इसके पास पहुंचने का काम कौन करेगा, ये करेगा शुक्राणु। क्यों, क्योंकि ये गतिशील है, ये चल सकता है, ये लिक्विड मीडियम के अंदर आगे बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास टेल है। तो ऐसे ऐसे कितने बनेंगे, 10^13 बनेंगे। इतने क्यों बनते हैं, क्योंकि जब ये जाएंगे फीमेल वजाइना के अंदर जाते हैं तो इनमें से आधे तो उसकी एसिडिटी के कारण ही मर जाते हैं, मतलब इतने होने का कारण है, वो हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है, मैं अभी बता रहा हूँ इनकी संरचना। तो ये शुक्राणु की संरचना है और ये अंडाणु की संरचना है भाई। ठीक है, अब फिर निषेचन होता है, निषेचन में मैंने बताया, निषेचन में देखो, अब निषेचन क्या है, निषेचन
निषेचन जब होगा तो ये शुक्राणु को पहुंचना है अंडाणु के पास। अब इसमें पहुंचने के तरीके अलग अलग है भाई। अब मान लो नर अपने शुक्राणुओं को बाहर छोड़ दे और मादा भी अपने अंडाणु को बाहर छोड़ दे तो बाहर निषेचन हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि धरती पे छोड़ दे और वो धरती पे भागने लग जाएगा और उसके पास चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? ये काम किस में हो सकता है? ये लिक्विड मीडियम में ही हो सकता है, मतलब पानी के अंदर हो सकता है। तो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं जैसे एम्फीबियंस और फिशेज के अंदर, मछलियों में और जो उभयचर होते हैं जैसे मेंढक और टोड, उनके अंदर क्या होता है, वे अपने शुक्राणु और अंडाणुओं को पानी में छोड़ देते हैं। नर अपने शुक्राणुओं को और मादा अपने अंडाणुओं को पानी में छोड़ देते हैं और वो उनका मिलन पानी में ही होता है। उस निषेचन को बोला जाता है निषेचन। दो प्रकार का हो गया भाई, दो प्रकार का निषेचन है। कौन कौन सा? एक होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, और एक होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में जैसा कि मैंने बताया, नर और मादा अपने शुक्राणु और अंडाणुओं को बाहर छोड़ देंगे और उनका बाहर ही निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है? ये होता है फिशिज में, मछलियों में, और किस में होता है? उभयचर, मतलब जो मेंढक और टोड। टोड क्या होता है, मेंढक क्या होता है? देखो मेंढक तो आपको पता ही होगा, लेकिन अंतर थोड़ा आपको शायद समझ में ना आए कि मेंढक और टोड एक जैसे दिखते हैं। रात में जो घूमते रहते हैं मच्छरों के पीछे, वो ज्यादातर टोड होते हैं, वो मेंढक नहीं होते हैं। मेंढक के जो आगे से स्नाउट होता है, माथा होता है, गोल होता है, और टोड का थोड़ा सा पॉइंटेड सा होगा आगे से। टोड जहरीले भी होते हैं, मेंढक जहरीले नहीं होते। कुछ होते हैं जो चटकदार रंग के होंगे, वो थोड़ी गहराई की बातें हैं, वो बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे। अभी के लिए देख लो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में क्या हुआ? अब आंतरिक निषेचन में जो जीव पानी में नहीं रहते तो उनमें क्या होगा, उनमें ये शुक्राणु को अंडाणु के पास जाना पड़ेगा। अब इसके पास जाने के लिए ये तो किसके अंदर है, ये तो मादा के शरीर में ही होता है, तो इसलिए इस शुक्राणु को मादा के शरीर में भेजा जाएगा। इसलिए नर के पास कोई ऐसा यंत्र होगा या ऐसे कोई अंग होगा जिसके द्वारा वो अपने इन शुक्राणुओं को मादा के शरीर में छोड़ता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं सीसन, ठीक है, पेनिस बोलते हैं, जिसके द्वारा यह नर अपने शुक्राणुओं को मादा के शरीर के अंदर छोड़ देता है। फिर ये मादा के शरीर के अंदर तैरते हुए पहुंचते हैं कहां तक? अंडाणु तक, और उसको निषेचित करते हैं। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है? जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलते हैं, और जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में, और किस में होता है? जो स्तनधारी जीव होते हैं, हम भी स्तनधारी जीव हैं, इन तीनों के अंदर क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। बात याद रखना, निषेचन हो गया दो प्रकार का। अब जब ये इससे इसका मिलन होगा, बहुत सारे लाखों शुक्राणु इसके ऊपर जाके चिपक जाएंगे, जैसे ये अंडाणु है, तो इस तरह से ये ऐसे चारों तरफ, ये तो बॉल की तरह है भाई, मतलब ये पूरे गोल है, ये पूरी बॉल की तरह है, तो इसके ऊपर चारों तरफ बहुत सारे शुक्राणु चिपक जाते हैं, लेकिन सभी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाते। इनमें से कोई एक शुक्राणु ही ऐसा होगा जिसका केंद्रक इसके अंदर एंटर करेगा, जो इसको जाके निषेचित करता है। तो बहुत सारे शुक्राणु इसके पास पहुंचते हैं, आधे रास्ते में मर जाते हैं, आधे पहुंचने से पहले मर जाएंगे, मतलब अरबों शुक्राणुओं में से लाखों शुक्राणु उसके पास पहुंचेंगे, बाकी रास्ते में ही मर जाते हैं, इसलिए उनकी संख्या अधिक होती है। उसका हर एक चीज का रीजन होता है साइंस में, ऐसे नहीं है। तो ये फिर जाके इनमें से कोई एक निषेचन करता है और बनता क्या हुई, युग्मनज बन जाएगा। ये बनेगा मादा के शरीर के अंदर ही बनेगा। हम पढ़ चुके हैं कि जब ये इसका केंद्रक, ये तो इसका केंद्रक है, जब इसका केंद्रक इसके अंदर चला जाएगा तो इसके केंद्रक में आधे गुणसूत्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरे गुणसूत्र होंगे 46, इसमें आधे गुणसूत्र होते हैं, आधे इसमें होते हैं, तो इसका केंद्रक इसके अंदर चला जाएगा, तो दोनों के मिला के 46 गुणसूत्र होंगे और एक कोशिका बन जाएगी, ये इसका केंद्रक बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, युग्मनज। अब ये युग्मनज वृद्धि करेगा, मतलब पहले इस एक कोशिका से दो कोशिकाएं, दो से चार, चार से आठ कोशिकाएं बनती हैं, और ये वृद्धि भी दो तरह की होती है। एक वृद्धि हो सकती है बॉडी के अंदर,
शरीर के अंदर होती है, एक वृद्धि होती है भ्रूण की शरीर के बाहर, जैसे पक्षी होते हैं या सरीसृप होते हैं या बहुत सारे दूसरे जीव भी हैं जो अंडे देते हैं, उनके उनमें भ्रूण की वृद्धि शरीर के बाहर होती है, उनमें डेवलपमेंट जो होगी भ्रूण की उनकी बॉडी के अंदर नहीं होती, वो सिर्फ उसको तापमान देते हैं जो उसको चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। लेकिन जो दूसरे जीव होते हैं जैसे स्तनधारी जीव है जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो अंडे देने वाले होते हैं, उनमें वृद्धि होती है शरीर के बाहर, मतलब अंडे के अंदर ही भ्रूण से बच्चा बड़ा होता रहेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो अंडे को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो होते हैं स्तनधारी जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनमें वृद्धि अंदर ही होती है, अंदर ही भ्रूण किसी जाके किसी दीवार से चिपक जाएगा, किसी गर्भाशय के अंदर जाके चिपक जाएगा और वहीं से पोषण लेता रहेगा और बढ़ता रहेगा। जब उसके अंदर हाथ पैर सभी बन जाएंगे तो फिर उसका जन्म हो जाएगा, ये काम होता है। तो वृद्धि भी दो तरह की होती है, एक शरीर के अंदर होती है, एक शरीर के बाहर होती है। शरीर के बाहर किसमें होती है? जो अंडे देने वाले जीव होते हैं। और शरीर के अंदर किसमें होती है? जो बच्चे देने वाले जीव होते हैं। ठीक है भाई, ये बात होगी। अब हम पढ़ेंगे क्या लैंगिक जनन के क्या महत्व हैं। देखो, जब अलैंगिक जनन का मैंने महत्व बताया था कि भाई ये रैपिड होता है, फास्ट होता है और इसमें जो संतति पैदा होती है वो बिल्कुल जनक के समान होती है। लेकिन अब लैंगिक जनन में क्या होगा? देखो, लैंगिक जनन में जो युग्मनज बनता है इसमें दो के गुण आएंगे, मतलब इसमें नर के गुणसूत्र भी गए हैं और इसमें मादा के गुणसूत्र भी गए हैं। तो मतलब क्या, इसमें भी भिन्नता ज्यादा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भाई इसमें तो माँ के गुण भी चले गए और बाप के गुण भी चले गए, तो उसमें भी भिन्नता ज्यादा आएगी। और भी भिन्नता मैंने बताया था फायदेमंद होती है। देखो, हर एक जीव किसी न किसी वातावरण में रहने के लायक है। अगर वो वातावरण बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए या खत्म हो जाए, जैसे कोई ऐसा जीव है या जैसे पोलर बियर है, ध्रुवीय भालू है जो सिर्फ बर्फ में ही रह रहे हैं, अगर वहां पे तापमान बढ़ जाएगा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। या फिर कोई ऐसे जीव है जो रेगिस्तान में ही रहते हैं, वहां पे अगर तापमान गिर जाएगा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। लेकिन अगर उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी है, उनके अंदर विभिन्नता है, मतलब उनके अंदर ऐसे गुण आ गए हैं कि वो टेम्परेचर वेरिएशन को बर्दाश्त कर सके, मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए उसको भी वो सहन कर सकते हैं। और ये शक्ति कैसे आती है? ये आती है वेरिएशन से, मतलब उनके डीएनए में जितने ज़्यादा अंतर होंगे उनके अंदर उतनी विभिन्नता होगी, बॉडी वो उतने अच्छे से अपने आप को चेंजिंग एनवायरमेंट में अडेप्ट कर पाएंगे। तो विभिन्नताएँ क्या करती हैं? किसी भी जीव को किसी वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने में लाभदायक होती है, मतलब वो जल्दी से उस वातावरण के लिए अनुकूल हो जाए इस काबिल बनाती है। ठीक है भाई, तो विभिन्नताएं अधिक किसमें आती है? लैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन में विभिन्नता आगी तो सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, मतलब उसके जीवित रहने की क्षमता अधिक होगी। दूसरा क्या इसका महत्व तो है? किसी भी स्पीसीज को या नई प्रजाति बनाने के लिए, नई प्रजाति, जैसे हम क्या बोलते हैं कि मनुष्य का जन्म बंदरों से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि बंदर कभी पहले, अभी चिंपैंजियों को देखते हैं, उससे पहले कोई दूसरे तरह के जीव थे, तो उनके अंदर वेरिएशन ही आई है। हमारे गुणसूत्र 46 हैं, चिंपैंजी के 48 हैं, कुत्ते में देखोगे तो हो सकता है 72 है। मतलब हम चिंपैंजी जैसे ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि उनके गुणसूत्र 48 हमारे 46 हैं, थोड़ी समानता आई। अब जैसे जैसे गुणसूत्र किस का अंतर ज़्यादा बढ़ता रहेगा, हमारे बीच भी अंतर बढ़ता रहेगा। अगर हम देखेंगे हमारे गुणसूत्र और किसी गाय के गुणसूत्र में, तो बहुत ज़्यादा संख्या में अंतर है। हमारे गुणसूत्र और चिंपैंजी के गुणसूत्रों में देखोगे तो संख्या थोड़ी बहुत आसपास है, जैसे उसके 48 हमारे 46, तो थोड़े नज़दीक आ गए तो वो हमारे समान दिखाई दिए, लेकिन समान नहीं है। जब किसी में 46 गुणसूत्र आ जाएंगे तो वो हमारे जैसा बन जाएगा, लेकिन 46 गुणसूत्र होने से भी बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी उसमें कोई ना कोई डिफरेंस है, डीएनए में अभी कोई अंतर है, इसलिए वो एग्जैक्ट दिखाई नहीं देता। अगर किसी की डीएनए 100% किसी के समान है तो वो 100% उसके जैसा दिखाई देता है। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। तो लैंगिक जनन नई प्रजाति के उद्भवन में लाभदायक है, मतलब नए जीव की उत्पत्ति में लाभदायक है। जैसे हमारा विकास चिंपैंजी या किसी बंदरों से हुआ है, तो ये लैंगिक जनन में भी भिन्नता आने के कारण ही हुआ है। जैसे जैसे भी भिन्नता बढ़ती रहेगी, जैसे हमारे अंदर गुणसूत्र है, आगे हमारी जो संतान है, अगर इसमें भी भिन्नताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई
और उनके गुणसूत्र में अंतर इतने आ गए कि आने वाले हजारों सालों में उनके गुणसूत्र और हमारे गुणसूत्र में कोई मैच नहीं होगा, तो उनकी प्रजाति अलग हो जाएगी, वो इंसान ही कोई अलग टाइप के हो जाएंगे। तो लैंगिक जनन के कारण विभिन्नताएं बढ़ती हैं और प्रजाति का उद्भवन भी हो जाता है। अब लैंगिक जनन में डीएनए की मात्रा दो गुणी क्यों नहीं होती? देखो, उसने कहा कि नर युग्मक मिलता है मादा युग्मक से, तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक कोशिका में क्या है, 46 गुणसूत्र है, ये नर के ये मादा के 46, तो जब ये मिलेंगे तो ये तो भाई 46.92 हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ये नर युग्मक होता है, जो नर युग्मक होता है उसमें गुणसूत्र 46 नहीं होते, उसमें 23 होते हैं, और ऐसे ही जो मादा युग्मक होता है उसमें गुणसूत्र 23 होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें विभाजन इस प्रकार का होगा, जब जो शुक्राणु बनते हैं ना, तो शुक्राणु बनाने के लिए एक विभाजन अलग प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो उस अर्धसूत्री विभाजन से इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो इसमें आधे गुणसूत्र होते हैं किसमें, शुक्राणु में, और आधे गुणसूत्र होते हैं किसमें, अंडाणु में। तो जब इनका निषेचन होगा तो टोटल बन जाएंगे कितने, 46। तो ये सारा कमाल किसका है, ये अर्धसूत्री विभाजन का है। दो तरह के विभाजन होते हैं, एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है। समसूत्री विभाजन जब होगा तो इस कोशिका से जब दो कोशिका बनती है, जैसे अमीबा में हमने पढ़ा, तो इसमें 46 हैं, तो दो में 46 ही होंगे, ये होगा समसूत्री विभाजन में। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें जब दो कोशिकाएं बनती हैं तो उसमें, इसमें वैसे तो दो नहीं बनती, इसमें चार बनती हैं, और चारों में कितने होते हैं, इनका आधा आधा होता है, सभी का आधे आधे गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस लंबा है कि चार कैसे बनेंगी और उनमें आधे कैसे हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखो कि शुक्राणुओं के बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, जो निषेचन के बाद पूरी हो जाती है, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या डबल नहीं होती। ये लिखना प्रश्न, उसका ये आंसर है। अब किशोर अवस्था, हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो मादा होती है और नर होता है, नर के अंदर नर युग्मक बनेगा, मादा के अंदर मादा युग्मक बनता है, लेकिन यह काम बचपन से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 5-6 साल के बच्चे में ही शुक्राणु बनना शुरू हो जाएगा और मादा में भी 5-6 साल में शुक्राणु बनना शुरू हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। 5-6 साल तक तो हम अंतर भी नहीं कर पाएंगे कि ये मादा है और ये नर है। उसके बाद जब किशोर अवस्था आती है तो उनके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिनको देखकर हमें ये पता चल जाता है कि ये तो नर है और ये मादा होती है। तो अगर हम ये पढ़ भी रखा हो आपने 8वीं क्लास में, एक नर के देखे कि एक नर के शरीर में किशोर अवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं। जब किशोर अवस्था उसमें शुरू होती है, ये शुरू होती है भाई 13-14 साल की एज में शुरू होती है, किसमें, मेल में, और फीमेल में शुरू हो जाती है थोड़ी सी जल्दी, किसमें, 12-13 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, किसमें, लड़की में। तो जब किशोर अवस्था शुरू होती है तो इनके शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो इनको इस काबिल बनाएंगे कि ये जनन कर सके। जैसे लड़के में अगर देखें मेल में, तो उनमें एक मेल हार्मोन बनता है, मतलब नर लिंग हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये बनता है भाई किसमें, नर में, और ये बनेगा किसमें, ये बनता है वृषण के अंदर, टेस्टिस, जिसमें शुक्राणु बनते हैं। तो ये क्या करता है, जब ये बनना शुरू होगा तो ये उसके शरीर में ऐसे परिवर्तन लेके आएगा कि वो जनन करने के काबिल हो जाए। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाएगा, वो काम कब शुरू होता है, 13-14 साल की एज में शुरू होता है, उसकी बगल में बाल आ जाएंगे, बगल में, और जो सेक्स ऑर्गन है उनके आसपास भी बाल आ जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाएंगे, छाती चौड़ी हो जाएगी, मसल्स ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, चेहरे पे बाल आ जाएंगे, ठीक है, आवाज़ भारी हो जाएगी। ये कुछ परिवर्तन होते हैं किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण। जो ये सारे गुण आते हैं इनको बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण, जो उसको ये बताते हैं कि ये मेल है। अब ऐसा ही काम किसमें होगा, फीमेल में, फीमेल में निकलता है एक मादा लिंग हार्मोन जिसका नाम है भाई एस्ट्रोजन,
जब ये निकलना शुरू होगा, ये कब निकलना शुरू होगा, 12 से 13 साल की उम्र में जब ये निकलना शुरू होगा तो ये क्या करवाएगा, एक तो ये अंडाणु का निर्माण करवाएगा। जैसे ही अंडाणु का निर्माण हो जाएगा, समझ लो वो माँ बन सकती है, मतलब वो मेल को रिसीव कर सकती है, तो अंडाणु का निर्माण करवाएगा। दूसरा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, मतलब उसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, निप्पल हैं, वो बनना शुरू हो जाएंगे और उनमें दूध बनना, चलो दूध तो बाद में बनेगा प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। आर्मपिट में, बाजुओं में बाल आ जाएंगे, सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ बाल आ जाएंगे, ठीक है, आवाज़ पतली हो जाएगी और उनके हिप्स जो होते हैं वो ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे और बॉडी में फैट ज़्यादा जमा हो जाएगी, ठीक है। उनके ये कुछ गुण हैं, ये कब आते हैं, किशोर अवस्था में, ये जो परिवर्तन आते हैं यही उसको उस काबिल बनाते हैं कि वो जनन कर सके, और जो नर में जो मैंने बताया वो गुण हैं जो उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो भी जनन कर सके। तो आज इस वीडियो में यही था भाई, नर और मादा निषेचन क्या है, ठीक है, ये थोड़े बहुत कंसेप्ट थे आज के लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब मानव में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, फिर उनमें निषेचन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।